Guruvar! 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 Aage kholiye Guruvar! Toot gaya bal Guruvar! Guruvar, aage kholiye! Guruvar! Hum aa gaye Guruvar! Guruvar, bata! Haan, raksha dwar dhwast ho gaya! मुगलों चित्तौड़ के बीच मात्र हमारे आश्रम की कुटिया ही बची हैं। गुरुवार, ये द्वार तो बहुत अधिक ध्वस्त हो चुका है। मुगलों से जूझने के लिए आश्रम गांव ही हमारा अंतिम मोर्चा हो सकता है गुरुवार। किंतु उस सबसे पहले हमें आपके ये सब खाओ साफ करने हैं। गुरुवार, बस अभी आए, हाँ अभी आए। क्या यही है वो राजपूताने के मशहूर और मारूफ शख्सियत शाहजादा मेवाड़ प्रताप? हाँ नासिर, यही है वो। इसका माने अगर हमें इसे पकड़ने में कामयाबी मिल गई तो शहंशाह अकबर शर्तिया मारे खुशी के हमें इनामो इकराम से लाद देंगे। हमें हर कीमत पर प्रताप को चित्तौड़ के किले तक पहुंचने से रोकना है। पर ख्याल रहे, चाहे जो भी हो जाए, पर प्रताप हमारे बारे में चित्तौड़ को यह खबर पहुंचाने में कामयाब नहीं होना चाहिए। थोड़ी पीड़ा होगी, बस खाओ साफ हो जाए। पता नहीं गुरु, आप कृपया कुछ मत कहिए। आपके शरीर के इन घावों से पहले ही बहुत रक्त निकल चुका है। शांत रहिए। हमारी बात सुनिए गुरु, पता चाहे कोई जितना भी बलशाली क्यों ना हो, जितना भी एक दिन उसे तो जाना ही। कोई भी अजर हमें नहीं होता गौर, पता नहीं मत हो, एक हो आप सत्य को, सत्य को स्वीकार करना सीखिए। मत कीजिए ऐसी बातें गुरुवर, मत कीजिए। हमारी दृष्टि में आपसे अधिक सहनशील, आपसे अधिक शक्तिशाली, आपसे अधिक वीर और कोई नहीं है गुरुवर, कोई भी नहीं। हम जानते हैं ना, आपको कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा आपको, देख लेना। वो सब छोड़िए गुरु प्रताप, ये बताइए कि आप चित्तौड़ को ये मुगलों के अतिक्रमण से कैसे बचाएंगे? गुरुवर, आश्रम गांव तीन पंक्तियों में बने हुए, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और अंतिम तीसरी पंक्ति, जिसके आगे चित्तौड़ की सीमा आरंभ होती है। पहली और दूसरी पंक्ति में तो वो मुगल खुश चुके, पर हम उन मुगलों को अंतिम सीमा पार करने नहीं देंगे। ये हमारा एकमात्र प्रण है गुरु। गुरुवर, आपने बारूद का प्रयोग किया होगा, थोड़ा बहुत बारूद बचा है कहीं? होगा। और गुरुवर, आप अचेत नहीं हो सकते। गुरुवर बताइए, गुरुवर कहाँ है बारूद? वहां कहीं आप बता रहे थे, गुरुवर बताइए, गुरुवर। हाँ उस सांबरे गुरुवर, आप हमारी बात सुनिए गुरुवर,
हम अभी आपके लिए वापस लौट कर आ रहे हैं। आपको अपनी सारी शक्ति केंद्रित करनी, हमारी प्रतीक्षा करनी है आपको। गुरुवर, हम बस यूं गए और यूं आए। गुरुवर, आप हमें सुन रहे हैं ना? आपको जागे रहना है, अचेत नहीं होना है। हम बस आए गुरुवर, कभी आए। गुरुवर, आपको अचेत नहीं होना, हम अभी आए। प्रताप को ढूंढो, बचना नहीं चाहिए वो आज। कहां गया प्रताप? यही कहीं होगा वो। हमारे पवित्र मातृभूमि, जब तक हमारे शरीर शरीर में रक्त की एक बूंद भी शेष शेष, आज आज हम मुगलों को हमारे मेवाड़ में पांव तक नहीं धरने देंगे। ज्यादा से ज्यादा कुछ देर और रहेगी, हम इसको बुझते ही से पार कर लेंगे। वैसे देखा जाए तो ये हमारे अच्छे के लिए ही हुआ है। प्रताप ने हमें नहीं घेरा है, बल्कि हमने प्रताप को घेरा है। प्रताप ने अपने आप को फंसा लिया है। तमाम सिपाहियों को बुलाओ, ढूंढो उसे, पूरे गांव को चारों तरफ से घेर लो। ऐसी पुख्ता घेराबंदी करो कि ना तो कोई दाखिल हो पाए ना बाहर निकल सके। मुझे प्रताप चाहिए, जिंदा या मुर्दा।
ये क्या, ये तो भीषण आग दिखती है। देखिए शहंशाह, देखिए हमारी पूरी फौज नासिर के साथ है और वो प्रताप बिल्कुल अकेला। अगर ऐसे में भी ये नासिर नाकामयाब हो जाता है तो हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक शिकस्त होगी। खान बाबा, इन गुज़िश्ता कुछ महीनों में अल्लाह के फजल से हमने इतना कुछ हासिल कर लिया है कि किसी छोटी शिकस्त से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर इसके बावजूद भी दिली ख्वाहिश तो हमारी भी यही है खान बाबा कि प्रताप महाराज। गुरु, हमने सीमा वाले झोपड़ों में आग लगाकर मुगलों का ध्यान उस ओर कर दिया है। अब इस भीषण आग के कारण जो भगदड़ मची उसका लाभ उठाकर हम आपको यहाँ से सीमा पार के सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे और आपको वहाँ सुरक्षित छोड़। जी गुरु। मैंने अपनी आंखों से प्रताप को इसी झोपड़ी के आसपास देखा है। तुम यकीन के साथ कह रहे हो? हाँ, तो ये खबर हमें हुजूर आला को दे देनी चाहिए। खबर देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर प्रताप को हम यही मार दें और उसकी लाश को जनाब नासिर साहब के हुजूर में पेश करें तो हमें इतनी दौलत मिलेगी, इतनी दौलत मिलेगी कि हमारी सात पुश्तें बैठ कर खाएगी। चलो एक काम करते हैं, हम और हथियार ले आते हैं। सुना है उस लड़के में 100 सिपाहियों की ताकत और सलाहियत है। तो एक काम करते हैं, हम इस दीवार के सहारे छुप जाते हैं और जैसे ही वो आएगा हम उस पर हमला बोल देंगे। और बता, यहाँ हर पक्ष सोच समझ कर उठाए। गुरुवर, हमने मुगल सैनिकों के बहुत सारे हथियार भी हथियार लिए, अब हम यहाँ से निश्चित अपनी सुरक्षा करते हुए निकल सकते। नहीं, हम अपने जीवन की रक्षा के लिए उन्हें अकेला छोड़ के यहाँ से नहीं जा सकते।
ये क्या कह रहे हैं आप गुरु? किसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, अपनी हाथ लगाई है उसी के ही आसपास है। कौन गुरु है? चक्रवाणी, हम इन्हें छुपाया था उन्हें वहां पे। गुरुवर, हम चक्रपाणी को भी लेकर आते हैं। युद्ध के अपने नियम होते हैं, आत्मरक्षा की अपनी पाबंदियां होती है। आप जाइए यहाँ से, आपको भूख होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बता, इस समय आपको शीघ्र ही राणा जी के पास जाना चाहिए और उन्हें यहाँ की स्थिति विस्तार में बतानी चाहिए। और इस भरे काज के लिए आपको स्वयं को मुगलों के हाथों पकड़े जाने से बचाना होगा। आप बड़ी चिंता मत कीजिए, सोच लीजिए कि हम मातृभूमि के लिए नौछावर हो गए। ये हमारा आदेशक और प्रताप आप चाहिए। जी, इस धुएं को देखकर लगता है कि पीरागढ़ के आसपास बहुत बड़ी आग लगी है। पीरागढ़? कुंवर प्रताप तो वहीं गए। और मेवाड़ की सहायता के लिए मित्र राज्यों की सेनाएं भी उस ओर से आ रही है। रावत जी, हमें लग रहा है कि वहां पर बहुत बड़ी दुर्घटना घट रही है। रावत जी, आप यहीं पर रुकिए और मेवाड़ की सुरक्षा के साथ साथ बारवाड़ की सैन्य गतिविधियों के लिए कुंभलगढ़ पर अपनी दृष्टि बनाए रखिए। हम पीरागढ़ जा रहे हैं। आपको घबराना शोभा नहीं देता जी। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, आपके पुत्र कुंवर प्रताप पीरागढ़ में वीर गति को प्राप्त होने गए हैं। मेवाड़ की महारानी के लिए इससे अधिक गौरव की बात क्या हो सकती है? चक्रपाणी, छागी छिकपाणी, हम आ गए, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। चिंता मत कीजिए, किंतु हमें इस झोपड़े से बाहर निकलना होगा शीघ्र अतिशीघ्र। ये लगी भीषण आग, किसी भी क्षण यहाँ तक पहुँच सकती है, इसलिए हमें यहाँ से शीघ्र निकलना होगा। छिकपाणी आइए। इधर गए तो हम मारे जाएंगे। अच्छा, हम एक काम करते हैं,
हम जाकर गुरुवर को यहाँ लाते हैं, फिर उसके बाद हम सोचेंगे कि यहाँ से कैसे निकला जाए। हम अभी अब तुरंत चली जाए यहाँ से। आप हमारी चिंता मत कीजिए। व्यर्थ प्रलाप छोड़िए चक्रपाणी, हमें इन मुगलों को बस तब तक उलझाए रखना है जब तक हमारे दाजीराज अपने विशेष सैनिकों के साथ यहाँ ना आ जाए। और आपको सौगंध, चाहे कुछ भी हो जाए आप यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। वचन दीजिए हमें। हम बस अभी गए और अभी आए। हुजूर, हमने तमाम इलाके का छान मारा है, पर प्रताप का कोई नामो निशान नहीं है। पर हुजूर, उस झोपड़ी के पीछे हमारे 3 मुगल सैनिकों की लाश मिली। इसका मतलब ये तो तय है कि प्रताप है यहीं कहीं। हमने इलाके के इस तरफ अपने सिपाहियों से कड़ी नाकेबंदी कर रखी है और इलाके की दूसरी तरफ खौफनाक आग की दीवार जो अभी तक बदस्तूर धधक रही है। जाओ, एक एक झोपड़े की तलाशी लो, कोई भी झोपड़ा बचना नहीं चाहिए। जी हुजूर। गुरुवर, चक्रपाणी जीवित है। गुरुवर, हमारा मित्र जीवित है। गुरुवर, जब तक चित्तौड़ से हमारी सैन्य सहायता नहीं आ जाती, हमें ही इन मुगलों से लड़कर स्वयं को बचाना होगा। वैसे हमें पूरा विश्वास है कि चित्तौड़ के दुर्ग रक्षकों की दृष्टि से यहाँ चल रही ये भगदड़, ये धुआं, ये आग नहीं बच सकती। वैसे भी जौहर बरसी पूरी हो ही चुकी होगी, इसलिए वहां से शीघ्र ही सैन्य सहायता आ रही होगी। गुरुवर, हमें बस हौसला रखना होगा। प्रताप, हमने आपको हर परिस्थिति में आशावादी रहने की प्रेरणा दी थी, किंतु जब तक ये सैन्य सहायता नहीं आती, आप इन सैकड़ों मुगलों से अकेले लड़ेंगे कैसे? माना किया शूरवीर, अद्भुत क्षमता वाले योद्धा हैं, किंतु उन मुगल सैनिकों की संख्या भी तो कम नहीं है। हम अकेले नहीं लड़ेंगे गुरुवर, आप भी हमारे साथ लड़ेंगे। हम इस स्थिति में आपके साथ कैसे लड़ सकते हैं प्रताप? गुरुवर, आपके शरीर के हर हिस्से पर घाव लगे, ये बात हम जानते हैं, पर फिर भी आप जैसी क्षमता वाला योद्धा अपनी भुजाओं और पांव के प्रयोग से लड़ सकता है, ये बात भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। गुरु, तो पता इस घायल पीठ और घायल पैर को लेके हम खड़े तक नहीं हो सकते, लड़ना तो बहुत दूर की बात। उसके लिए हमने एक योजना बना ली है। जय मेवा मेवा। गुरुवर, आपने हमें सिखाया ना कि स्वयं को बचाए रखना कितना आवश्यक है। यदि हमें अपने मातृभूमि की रक्षा करनी है तो अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए हमें जीवित रहना होगा। आप ठीक है ना गुरुवर? ठीक। और प्रताप, जिस गुरु को रणभूमि में कुंवर प्रताप जैसे शिष्य का सहारा मिले, वो मात्र ठीक ही नहीं सौभाग्यशाली होता है। गुरुवर, चक्रपाणी, चक्रपाणी उन
मुगलों के चंगुल में फंस गया। हमें उन मुगलों का ध्यान भटकाकर चक्रपाणि को बचाना होगा गुरु। उधर से तीर। हमारे लिए मत रुकना बाजीराज, हमारे लिए मत रुकना, जाइए ऐसे। वाकई जहां तक हम आपके दोस्त को समझ पाए, हमें नहीं लगता कि वे आपका मशवरा मानेंगे। सही कहा तुमने नासिर खान। खान लड़ेंगे इससे, देखें तो किसकी तलवार में ज्यादा दम है। मैं खोल दीजिए गौर प्रताप, हमारे कारण आपकी चपलता प्रभावित हो रही है। चाहे हमारे प्राण चले जाए किंतु हम आपको इस समय नहीं छोड़ेंगे।
जिसे बड़े बड़े अफगान सूरमा नहीं मार सके, और तो और जिसे हमारे बैरम खान तक नहीं मार सके। आज हमारी खुशकिस्मती की इंतहा तो देखिए, हम नासिर खान अपने इसी तलवार से तुम्हें मारेंगे शहजादे प्रताप। चले ये वीर, इन्हें अब कोई ना रोक सके, शत्रु हंकारों की वाणी इनके कदमों से दबे, एक ही साहस और मान के शत्रु है तके, बढ़े चले ये वीर, इन्हें अब कोई ना रोक सके। जय क्लिंग जी, जय मेवाड़, जय मेवाड़। कौन पड़ता है, आप ठीक तो है ना? इतने सारे खाओ। धाजीराज हम एकदम ठीक है, किंतु गुरुवार को तुरंत चिकित्सा की आवश्यकता है। अच्छा, आचार्य जी, आचार्य जी, गुरुवार गुरुवर आंखें खोलिए गुरुवर। नहीं गुरुवर, आप हमें यूं छोड़कर नहीं जा सकते। आपने ही तो हमें रणभूमि में मृत्यु को धोखा देना सिखाया था गुरुवर। आपने ही तो कहा था कि एक शूर वीर के प्राण उसकी मातृभूमि के लिए धरोहर होते हैं। आपने ही तो हमसे कहा था कि जब तक मातृभूमि को हमारी आवश्यकता है, हमें हमें जीवित रहना है। आप कैसे जा सकते हैं गुरुवर? कुछ बोलते क्यों नहीं आप? गुरुवर, गुरुवर आके खोलिए गुरुवर। कुंवर प्रताप, संभालिए अपने आप को। नहीं दाजी, हमारे गुरुवर नहीं, यूं छोड़कर नहीं जा सकते। हमें इनसे बहुत कुछ सीखना है। हम इन्हें जाने नहीं देंगे, नहीं जाने देंगे हम इनसे। पकड़ो उन्हें। तुम्हारे अपने ही घर में गद्दार है प्रताप। आज जो युद्ध हुआ उसके लिए जिम्मेदार हैं मारवाड़, जिन्होंने खुद हमें यहां तक पहुंचने का महफूज रास्ता बता दिया। प्रताप, आपके गुरुवर जीवित हैं। हाँ कुंवर प्रताप, आपके गुरुवर जीवित हैं। अभी अभी हमने इनकी उंगलियां हिलती हुई देखी है। हाँ गुरुवर, हमने कहा था आप हमें छोड़कर यूं नहीं जा सकते। देखो गुरुवर, गुरुवर जीवित है। हाँ कुंवर प्रताप, कुछ नहीं होने देंगे हम आपके गुरुवर को। सैनिकों, शीघ्र से शीघ्र गुरुवर को राज चिकित्सक के पास ले जाया जाए, और अपने तीव्र गति वाले अश्वारोहियों से कहिए कि राजपुताने में जितने भी चिकित्सक हैं उन सबको यहाँ लाया जाए। गुरुवर की चिकित्सा में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कहिए इन्हें।
बाबूजी राज प्रताप को विजेता घोषित किया जाता है। पूछने तलवार की सौगंध खाते हैं, मरते दम तक आपका साथ देंगे, चाहे आप कुछ भी हो जाए। बहुत जोश है कुंवर, इस आग को और जोश को कम मत होने देना, हमेशा जीवित रखना। जाया भीली जाया भाई भाई, रानी जाया भीली जाया भाई भाई, रानी जाया भीली जाया भाई भाई, रानी जाया भीली जाया भाई भाई। शूर वीरों के लिए अपना मन भारी मत कीजिए, ये वो है जिन्होंने मातृभूमि के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये मरे नहीं है कौर प्रताप, ये अमर हो गए हैं। आपको तो आभार मानना चाहिए एक लिंग जी का, कि उनके आशीर्वाद से आपको इन सब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेवाड़ के शत्रुओं के साथ युद्ध करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सब वीर गति को प्राप्त हुए हैं, इसलिए इनके लिए शोक मनाना, इनके बलिदानों का अपमान करना होगा। इसलिए संभालिए अपने आप को। और एक बात कहना चाहते हैं हम आपसे, अभी अभी समाचार आया है कि मारवाड़ किसी भी समय मेवाड़ पर आक्रमण कर सकता है। तुम्हारे अपने ही घर में गद्दार है प्रताप, आज जो युद्ध हुआ उसके लिए जिम्मेदार है मारवाड़, जिन्होंने खुद यहां तक पहुंचने का महफूज रास्ता दिया। नहीं छोड़ेंगे, विश्वासघातियों को दंड मिलेगा। आज पुराने के साथ आज विश्वासघात करने वालों को दंड अवश्य मिलेगा। मूल्य चुकाना पड़ेगा मारवाड़ को इस विश्वासघात का। दाजी राजी राज उन सबको, इसके कारण कारण हमारे इन वीरों को वीर गति प्राप्त हुई है। इनके रक्त का मूल्य चुकाना ही पड़ेगा उन्हें। मैंने वैसा ही क्या हुजूर, जैसा कि आपने कहा था। तुम्हारे अपने ही घर में गद्दार है प्रताप, आज जो युद्ध हुआ उसके लिए जिम्मेदार हैं मारवाड़,
जिन्होंने खुद हमें यहाँ तक पहुँचने का महफूज रास्ता बता दिया। बहुत खूब, बहुत खूब। अब प्रताप अपने लोगों की मौत का बदला मारवाड़ से लेगा। सच पूछिए तो खान बाबा, प्रताप को मारने के बाद भी हमें इतनी खुशी नहीं होगी जितनी खुशी हमें अब होने वाली है। राजपूतों का खून राजपूत की बहा, इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है खान बाबा। प्रताप को तो हम आहिस्ता आहिस्ता मारना चाहते थे। अगर हमने उसे एक ही बार में मार दिया तो फिर खेल का मजा ही चला जाएगा खान बाबा। हम आपकी इस बात से पूरी तरह इत्तफाक रखते हैं शहंशाह। आपकी इस दोहरी चाल से पूरे राजपुताने में एक दूसरे के खिलाफ तलवार उठ जाएंगी। सुभान अल्लाह। हाँ, जब राजपुताने की दो अहम रियासतें मेवाड़ और मारवाड़ आपस में लड़ेगी तो चोट सीधे सीधे प्रताप के दिल तक पहुंचेगी। ये लीजिए ये शह और मां जलाल। अब मारवाड़ की सेना के कपड़े पहने हमारे सिपाहियों की बेरहमी से कटी लाशों को बड़े एहतियात के साथ मारवाड़ के राजा मालदेव के पास भिजवा दिया जाए। तो फिर मालदेव शर्तीय प्रताप और मेवाड़ से बदला लेने के लिए आग बबूला हो जाएगा। राजा जी, आज तक हमने कभी भी आपके राजनैतिक और प्रशासनिक कामों में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन आज मेवाड़ के इस युद्ध को लेकर हमारे मन में जो विचार है हम अवश्य विनम्रता के साथ आपके सामने रखना चाहते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? हमें यह लगता है कि इस युद्ध में जीत चाहे किसी की भी हो, इस युद्ध के परिणाम में होने वाली अशांति, पीड़ा, दुख आने वाले कई पीढ़ियों तक दोनों राज्यों के संबंधों में कड़वाहट घोलता रहेगा। राजा जी चलिए, जनता और राज परिवारों के संबंधों को अगर हम भूल भी जाएं, लेकिन आपकी लाडली पोती फूलकवर, उनके मन में मेवाड़ के राजकुमार के प्रति जो भावनाएं हैं उनका क्या? राजा जी हमें नहीं लगता इस युद्ध के बाद फूलकवर कभी भी पहले की भांति खुश रह पाएंगे, इसलिए हमारा यही कहना है कि आप एक बार फिर से इस युद्ध के बारे में सोच लीजिए। यह युद्ध करके क्या मिलेगा? क्या इस युद्ध से आपको वीरबाई मिल जाएंगी? प्रश्न वीरबाई जी का नहीं है, प्रश्न है हमारे अपमान का। और यदि आप इसी समय हमारे सामने इसे अपमानित करके निकाल देते तो हम आपकी सभी बातों पर विश्वास कर देंगे। आपने सोच भी कैसे लिया कि आपके कहने पर हम अपनी पत्नी को निसहाय छोड़ देंगे? उस हल्क का, उस विश्वासघात का जो राणा उदय सिंह ने हमारे साथ किया है, यदि आप हमारे इस अपमान को युद्ध के लिए उचित नहीं समझती तो आपको मारवाड़ की रानी बने रहने का कोई योग्य नहीं। बड़े दादा,
आप अपने सभी राज कर्मचारियों दास और दासियों से कह दीजिए कि वे हमें कुछ भी करने के लिए विवश ना करें। बोलिए आप क्या नहीं चाहती। हम अपने कक्ष में चुपचाप बैठे तो बाहर निकल के उद्यान में सैर करने को कहते, हमें सुबह होते श्रृंगार करने को कहते, शाम को मनोरंजन कक्ष में जाने को कहते। बड़दादा आप उनसे कह दीजिए कि हमें कुछ भी करने के लिए विवश ना करें। सर आप भोजन नहीं करना चाहती, श्रृंगार नहीं करना चाहती, उद्यान में सैर नहीं करना चाहती, मनोरंजन नहीं करना चाहती, तो फिर आप क्या चाहती हैं? हमें बस अपने कक्ष में अकेला रहना। आप उन सभी से कह दीजिए कि कोई भी हमें तंग ना करे। राजा जी स्वयं अपनी आंखों से देखिए, आपकी लाडली पोती जिसे आपने इतने लाड प्यार दुलार से बड़ा किया है, जो आपकी आंखों का तारा है, वो दो ही दिन में कैसे मुरझा सी गई है। कहीं ऐसा ना हो कुंवर प्रताप के लिए उनकी भावनाएं और हमारा मेवाड़ से युद्ध उन्हें हमेशा के लिए निराश ना कर दे। हमारे को एक महत्वपूर्ण बात है, आपको इसी समय चलकर देखना पड़ेगा। क्षमा कीजिए रानी, अब तो रानी मां जब हम मारवाड़ को युद्ध में हरा दें तभी लगाइएगा तिलक, विजय तिलक। राजीराज हमें सैन्य संचालन का निरीक्षण करना। आप चलिए हम आते हैं। इस युद्ध में कुंवर प्रताप के कई मित्र वीर गति को प्राप्त हुए हैं। हमें मारवाड़ के विरुद्ध अपने बचाव पक्ष को सुदृढ़ कर उनके आक्रमण को मुंह तोड़ उत्तर देना है। अब मारवाड़ के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता या किसी भी तरह की कोई बातचीत के लिए कोई स्थान नहीं बचा। हमारे सिपाहियों को आपके सिपाहियों की लाशें मिली और हमें लगा कि इन्हें आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। राजा मालदेव, मेवाड़ ने आपके सिपाहियों के शहीद होने के बावजूद भी उनके साथ जैसी हैवानियत दिखाई है, ऐसी दरिंदगी तो हमने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोची हो। दुश्मन तो आपका और हमारा दोनों का एक ही है। इसके खिलाफ आपको कभी भी किसी भी किस्म की मदद दरकार हो तो जरूर बताइएगा हमें, आपकी जुबान कभी भी खाली नहीं जाएगी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अब कोई पुनर्विचार नहीं होगा। हमारे सभी मित्र राज्यों को ये संदेश तुरंत भिजवा दो कि अब हमें उनका मौखिक समर्थन नहीं चाहिए। अब हम चाहते हैं कि मेवाड़ से युद्ध के लिए उनकी सेनाएं मारवाड़ की सेना का साथ दें। अब ये एक ऐसा भयानक युद्ध होगा जो इससे पहले राजपूताना के इतिहास में न पहले कभी हुआ है कभी होगा। अब इस युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। आरती और तिलक तो शगुन होता है ना,
शगुन और अपशगुन की समझ होती तो आप इस महल में पैर कभी ना रखते। क्या सही नहीं कहा हमने? जब से इस महल में आपने अपना पांव रखा है, इस महल का हर आनंद, हर उल्लास, हर उत्साह शोक में बदल गया है। जीवन का हर संगीत मृत्यु का अभिशाप बन गया है। जिन दो राज्यों में संबंध बनने जा रहा था, आज वही दो राज्य एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं। हमारे कुंवर प्रताप का विवाह होने वाला था, अभी अभी उन्होंने अपने सारे मित्र खो दिए और फिर से एक संकटपूर्ण संग्राम पर चल पड़े हैं। इन सबका उत्तरदायी कौन है? सच बताइए, राणा जी के खेमे में जाने से पहले क्या आपने नहीं सोचा था कि सुबह क्या होगा? जानबूझकर आपने राणा जी को फंसाया ना? हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, हमने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। हमें क्षमा कर दीजिए। आपको क्षमा करने से मेवाड़ और मारवाड़ के बीच का युद्ध रुक जाएगा? हम भी नहीं चाहते कि ये युद्ध हो। फिर भी इस युद्ध के लिए भूमि का तो रच दिया, यहाँ तक कि आपके पिताजी राज राणा जैत सिंह जी भी मारवाड़ की ओर से हमारे कुंवर प्रताप और राणा जी के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, और आप चाहती हैं कि हम आप पर विश्वास करें? हम ये मान लें कि आपको मेवाड़ के लिए आस्था और प्रेम है। हम ये मानते हैं कि आप और आपका परिवार देशद्रोही है। बस निर्भाई जी, बहुत हो गया। निर्भाई जी, आप अपने कक्ष में जाकर विश्राम कीजिए। आपको महान बनने का बहुत चाव है ना चीजा, कि आप वीर भाई जैसा अपमान भी चुपचाप सह रही हैं। आपका तीसरा निशाना भी चूक गया। ये हो क्या गया है आपको खान बाबा? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मसला क्या? कोई परेशानी? परेशानी ये प्रताप, अगर प्रताप ये जंग भी जीत गया तो अभी तो उसने हमारी फौज को हराया है, जबकि उस वक्त हालात हमारे लिए बहुत माकूल थे, फिर भी उसने हारा। खान बाबा, पता नहीं क्यों आप मालदेव को इतना कमजोर मान रहे हैं। आखिर उन्हें यूं ही तो राजपुताने का सबसे मजबूत राजा नहीं कहा जाता? मालदेव बड़ा ही तेज दिमाग और जाबाज जंगजू, और उसकी सबसे कमाल की बात तो यह है कि वो फिजूल के उसूलों में उलझा नहीं रहे। उसे जो भी हासिल करना है उसे वो करके रहता है, पर हमें ऐसे ही शातिर लोग पसंद है खान बाबा, जो अपने मकसद को हासिल करने के लिए हमेशा सिया सफेद कुछ भी कर गुजरने को आमादा रहते हैं। जहां तक हम जानते हैं, जंग से पहले ही मालदेव मेवाड़ को पूरे राजपुताने में अकेला कर देगा। महाराज, बीकानेर, आमेर, डूंगरपुर की सेनाएं भी हमारा साथ दे रही हैं। ये तीनों राज्य की सेनाएं गोवर्ड पहुंच रही हैं, जहां से ये हमारी सेना के साथ सम्मिलित हो जाएंगी। उत्तम, अति उत्तम। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी सेना मेवाड़ की सेना से 5 गुनी बड़ी हो जाएगी। माना कि मालदेव प्रताप के खिलाफ बहुत बड़ी फौज चुका, लेकिन खुद प्रताप का क्या करेगा? तो प्रताप मैदान जंग में चीते की मानिंद फुर्तीला,
चमड़ी की मानिंद चालाक हो जाता है। अपने आप में एक मुकम्मल फौज है, वो मुकम्मल फौज। जितना हम मालदेव को जान पाए हैं वो जरूर इस मुसीबत के मुतालिक सोचेगा और प्रताप के खिलाफ कोई ना कोई माकूल जवाब पैदा कर ही लेगा। मुझे पता है कि प्रताप के युद्ध कौशल और साहस को यदि कोई सशक्त चुनौती दे सकता है तो वो है प्रताप का गुरु आचार्य राघवेंद्र। पर आचार्य राघवेंद्र ऐसा करने के लिए तैयार क्यों होंगे? वो प्रताप के विरुद्ध जाने के बजाय हंसते हंसते अपने प्राण देना अधिक उपयुक्त समझेंगे। राजा मालदेव सिंह नाम है मेरा, किसके विरुद्ध किसको कब उतारा जाए ये हमसे अच्छा पूरे राजपुताना में कोई नहीं जानता है। अगर मालदेव ने इस जंग में प्रताप का जवाब ढूंढ लिया तो ये जंग बेहद खौफनाक हो जाएगी। इतनी खौफनाक हो जाएगी कि राजपुताना की ये दोनों सबसे बड़ी रियासतें पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगी। यही तो हम चाहते हैं खान बाबा, नहीं? कुंवर प्रताप, हम इनके प्रदर्शन से, इनके कौशल से प्रभावित हुए, किंतु हमारी चिंता का विषय कुछ और है। कैसी चिंता दाजीराज? आप तो जानते हैं कुंवर प्रताप कि मारवाड़ के साथ राजपुताने के दूसरे सभी राज्यों की सेना है, किंतु हमें केवल अपनी सेना के साथ ही उनसे युद्ध करना है। आप एक व्यक्ति को भूल रहे हैं दाजीराज, जो अकेले ही कई सेनाओं के बराबर। कुंवर प्रताप, अब आचार्य राघवेंद्र की बात कर रहे हैं, किंतु उनका स्वास्थ्य अब तक पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुआ। वे रणभूमि में हमारे साथ खड़े हो जाए बस, उनका नैतिक सहयोग ही हमारे लिए बहुत है दाजीराज। युद्ध के समय उनके उपाय, उनके सुझाव, उनकी भांति भांति की युक्तियां हमें पंच गुना अधिक शक्तिशाली बना देती है। और क्या चाहिए हमें दाजीराज? दाजीराज, हम गुरुवर के आश्रम जाकर देखते हैं उनके स्वास्थ्य में क्या प्रगति हो रही है। ठीक है कुमार प्रताप, चाहिए। जय सिंह पधार रहे हैं। जय सिंह जी, यहाँ खंभा घड़ी घड़ी खंभा पधारिए। जय सिंह जी, मेवाड़ में आपका स्वागत है। हमें प्रसन्नता इस बात की है कि युद्ध में हमारे विरुद्ध होते हुए भी आपने यहाँ बेझिझक आने का साहस किया। राणा जी, हमने निर्णय लिया है कि इस युद्ध में हम आपका साथ देंगे। क्या? परंतु आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जय सिंह जी, राजा मालदेव आपके दामाद। दामाद तो आप भी हमारे बन चुके हैं। हाँ हाँ जय सिंह जी, वो तो ठीक, लेकिन आपका राज्य मारवाड़ के पास है और राजनीतिक रूप से भी खेड़वा और मारवाड़ आपस में जुड़े हुए। ठीक कह रहे हैं राणा जी आप, ये निर्णय हमारे लिए सरल नहीं, किंतु बात जब धर्म की हो तो अधर्म के साथ कैसे चले जाएं? ये युद्ध हमारी बेटी वीरबाई के मान सम्मान को राजा मालदेव से बचाने के लिए हो रहा है, तो इसमें हम राजा मालदेव का साथ कैसे दे सकते हैं? यदि आप चाहते तो हमारी बेटी को राजा मालदेव के दबाव में छोड़ भी सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने धर्म का साथ दिया, तो हम आपका साथ देंगे। ये युद्ध हम आप ही की तरफ से लड़ेंगे राणा जी, हम आपके साथ हैं। जय सिंह जी,
इस समय आपका हमारा साथ देना हमारे लिए बहुमूल्य है। मेवाड़ आपके इस आभार को कभी नहीं भूलेगा। इससे पहले कि बाबर राणा संगा की ओर एक कदम भी उठाए, हमारे बड़े दाता ने अपनी तलवार निकाली और कूद पड़े उनके सामने। सूर्यास्त तक सबके साथ लड़ते रहे। जब तक शरीर में प्राण थे ना, तब तक किसी को एक कदम भी बढ़ाने नहीं दिया महाराणा की ओर। जैसे हमारे प्रपिता ने अपने कुल का नाम उज्जवल किया है ना, आप भी हमारे कुल का नाम उज्जवल करेंगे कुंवर बलवंत। दादा, कुंवर बलवंत को आपको ये कहानी भी सुनानी चाहिए कि कैसे साधारण से निजी मुटाव को आधार बना पीढ़ियों से चलती आ रही मैत्री को भी भुलाना जानते हैं। कहना क्या चाहती हैं आप? यही दादा, कुंवर बलवंत को भी पता चलना चाहिए कि उनके दादा के पास जब धर्म युद्ध का अवसर आया तो उन्होंने धर्म का साथ ना देके अधर्म को अप्रोक्ष लाभ पहुंचा दिया था। आज तक आप सदा धर्म का साथ निभाते आए, इसलिए एक साधारण सी बात के लिए आपने राणा जी का साथ छोड़ दिया। साधारण सी बात? आपके अपमान को आप साधारण सी बात कह रही? सारे परिवार ने आपको अपमानित करके महल के बाहर निकाला है। अच्छा हुआ जो कुंवर प्रताप के सामने न आने का निर्णय लिया है। वैसे ही काफी कठिनाइयां पैदा कर चुकी हैं। हमें लगता है कि आपको भूमिगत हो जाना चाहिए। उसे आप साधारण सी बात कह रही? ये केवल आपका अपमान नहीं है, हमारा भी अपमान है। पर धर्म युद्ध से तो सारे राजपूत आने की सुरक्षा का प्रश्न जुड़ा है दादा। इतने बड़े संदर्भ के सामने हमारा ये अपमान साधारण सी बात समझी जानी चाहिए। महत्वपूर्ण वर्षों से चली आ रही आपकी और राणा जी की मित्रता और संकट में भी मित्रता नाम निभाना कहां तो कुछ है। फूल कवर के साथ आपने मित्रता निभाई थी ना, क्या हुआ आप अपमानित होती रही पर मित्रता निभाती रही? क्या मिला, क्या मिला आपको? अपमान ही ना। दीजिए उत्तर। क्या आप राजा मालदेव जी के विरुद्ध लड़ेंगे? हाँ। विश्वास ही नहीं हो रहा है हमें दादा। हमने तो उनके विरुद्ध आज तक आपके मुंह से एक शब्द तक नहीं सुना, फिर कैसे शस्त्र उठाएंगे आप अपने दामाद के? आज तक हम चुप रहे, पर हम ये जानते थे कि अपनी बेटी का विवाह उनके साथ करके अनजाने में हमने अपनी बेटी को दासी बना दी। जैसे हमने खेरवा की भलाई के लिए राजा जी से विवाह किया था, ठीक उसी तरह आपको भी खेरवा और हमारी रक्षा के लिए उनकी बात माननी होगी। पर राजा मालदेव ने जिस प्रकार आपके साथ विवाह का प्रस्ताव रखा, उनके उस अपमानजनक दुस्साहस का उत्तर देने का अवसर मिला है। राणा उदय सिंह जी ने हमें यह अवसर दिया है कि हम अपनी दोनों ही बेटियों को ये बता सकें कि हम भी राजपूत हैं, हम भी अपनी आन मान और शान के लिए लड़ना जानते हैं। और देखिएगा, इससे आपकी जीजा सौभाग्यवती का मान उनके ससुराल में कम नहीं होगा बल्कि पड़ेगा। हम जानते हैं आप ये सब हमारा मन रखने के लिए कह रहे हैं, पर आप ये भी जानते हैं कि इस युद्ध में जीजा का सुहाग उजड़ भी सकता है। इस युद्ध में दोनों और सुहाग तो मेरी ही बेटियों का दांव पे लगा, और जहां तक धर्म की बात मेवाड़ का साथ देना ही पड़ेगा, और हम निर्णय कर चुके हैं। अच्छा होगा आप भी धर्म का साथ देना सीखें। जाइए, पूरे आदर और सम्मान के साथ आचार्य राघवेंद्र को हमारा संदेशा दीजिए।
यदि हमारा संदेशा पढ़ने के पश्चात वो हमारे प्रस्ताव को ठुकरा दें तो इसकी सूचना हमें तुरंत दी जाए। यदि आप लोगों को कोई असुविधा ना हो तो हम राजा जी से एक आवश्यक बात करना चाहते हैं। आपको ये बात हमें कितनी बार समझानी पड़ेगी महारानी उमा देवी कि राजकीय मंत्रणा में किसी को भी आने की अनुमति नहीं है, आपको भी नहीं। यही हमारे दरबार का नियम है और यही हमारे दरबार की मर्यादा है। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आज तक आपकी पत्नी और मारवाड़ की महारानी होने के नाते हमने कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? यदि हमने परिस्थितियों का सही अनुमान लगाया है तो इस युद्ध में आचार्य राघवेंद्र ही एक ऐसा मोहरा है जो प्रताप को हरा सकते हैं, वो भी अकेले। आपका अनुमान सही है, बात भी कुछ ऐसी ही है। तो फिर हमें आचार्य राघवेंद्र को अपनी ओर करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि हमें आचार्य राघवेंद्र को संदेशा ना भेजवा कर हमें स्वयं उन्हें जाकर आमंत्रित करना चाहिए। जी राजे। किंतु एक बात हम आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी दिलचस्पी प्रताप को मिटाने हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे फूल का मन दुखाया, उनकी भावनाओं का अपमान किया। बात तो आप दोनों सही कह रही हैं उमा देवी जी, किंतु आप इतनी संवेदनशील हैं नहीं जितनी आप दिखाई दे रही हैं। बात कुछ और है, बताइए वो बात क्या है? राजा जी, अब जबकि फूल का विवाह प्रताप के साथ हो ही नहीं सकता तो हम चाहते हैं कि हम अपनी छोटी बहन का सपना पूरा करें जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण। कैसा सपना? अपने बेटे जगमाल को मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठाने का सपना। नहीं दे पाया। प्रताप, आचार्य जी आप लेट जाइए। बधाई हो, अब आचार्य जी संकट से बाहर हैं। हमने जो रक्षा द्वार बनाया था द्वार का क्या हुआ? क्या हम मुगलों से पराजित हो गए? गुरुवर, मुगल सेना पराजित होकर मैदान छोड़कर भाग गई है। आपने जो चित्तौड़ की सुरक्षा के लिए कवच बनाया था उस पर आप और बावजरस प्रताप हर आक्रमण के उपरांत भी डटे रहे थे। गुरुवर, राणा जी स्वयं चित्तौड़ से सेना शहीद आए और बची हुई मुगल सेना के ऊपर वार करके उन्हें भगा दिया। पकड़ो उन्हें। इस युद्ध में हमारे शिष्य वीर गति को प्राप्त हो गए। इस युद्ध में विजय होने का साफ भी हम प्रकट नहीं करना चाहते। ये तो फिर भी मुगल थे आचार्य, पर अब जब मेवाड़ और मारवाड़ आपस में लड़ेगा तो भगवान जाने और कितनों को खोना पड़े।
रुकिए गुरुवर, आप कहाँ जा रहे हैं? राजवीर जी ने आपको विश्राम करने का निर्देश दिया है, आप ऐसी अवस्था में कहाँ जा रहे गुरुवर? हमारे विश्राम से अधिक इस समय को प्रताप को हमारी आवश्यकता है। मारवाड़ एक बहुत ही सामर्थ्य और शक्तिशाली राज्य है। राजा मालदेव ने अवश्य ही इस युद्ध के लिए विशाल सेना एकत्रित कर ली होगी। राजन, आप इस समय यहाँ? प्रणाम आचार्य राघवेंद्र। समय और परिस्थिति की परख हमें भी अच्छी तरह से। हमारे रहते हुए आपको किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बस धर्म संकट था, मन में कुछ आशंकाएं थी, वही आशंकाएं आपसे दूर करने के लिए चला आया। आपका अधिक समय नहीं लूं। बताइए। महाभारत में गुरु द्रोण थे, उनका आचरण धर्म सम्मत था या धर्म विरुद्ध? धर्म सम्मत। महाभारत के इस महायुद्ध में गुरु द्रोण ने किसका साथ दिया? दुर्योधन का। दुर्योधन का क्यों? अर्जुन तो उनका प्रिय शिष्य था, तो युद्ध पांडवों के पक्ष में करना चाहिए था। गुरु द्रोण ने दुर्योधन के पक्ष में युद्ध क्यों किया? क्योंकि वह कौरव राज सिंहासन के ऋणी थे। क्यों आचार्य? जब द्रोणाचार्य के पास कुछ नहीं था, अपने पुत्र अश्वत्थामा को दूध पिलाने का सामर्थ्य भी नहीं था उन्हें, तब पितामह भीष्म ने उनके गुणों के महत्व को समझकर उन्हें अपने राजकुमारों का शिक्षक नियुक्त किया, मान सम्मान दिया, उनके आश्रम को बनवाया। यही कारण है कि कौरवों के लिए युद्ध लड़ना उन्हें अपना धर्म सम्मत लगा। अब हमारे इस संदर्भ में गुरु द्रोण कौन है? हमारे पिताजी। और वो दूध के लिए रोने वाला बच्चा? हम। तो किसकी ओर से ये युद्ध लड़ना आपको धर्म सम्मत लगता है? मेवाड़ के या मारवाड़ के? ये सत्य है कि हम आपकी ऋणी हैं। चुका दिया वो ऋण या नहीं चुकाएंगे? चुकाएंगे। वही सहायता हम आपकी करने आए हैं आचार्य राघवेंद्र। ये युद्ध आप हमारे पक्ष में लड़े और वचनबद्ध होकर लड़े और सदा सदा के लिए इस ऋण से मुक्त हो जाइए। किंतु इस समय हम मेवाड़ में और कुंवर प्रताप हमारे प्रिय शिष्य कुंवर प्रताप पधार रहे हैं। भाई जी राणा उदय सिंह की पत्नी है, गौरव है मेवाड़ का। वो तो आप मेवाड़ के अतिथि हैं, इसलिए हमने आपकी इतनी बात सुन ली, अन्यथा। राजन, ये हमारा आश्रम है, आपकी रणभूमि नहीं। यहाँ पे शस्त्र निकाले जाते हैं केवल युद्ध प्रशिक्षण के लिए, युद्ध लड़ने के लिए नहीं। हम आपसे और आपके सैनिकों से आग्रह करते हैं, हमारे आश्रम की मर्यादा का पालन किया जाए। लीजिए आचार्य राघवेंद्र, हमने अपनी मर्यादा का पालन कर दिया। आशा करता हूं कि आप भी अपनी मर्यादा का पालन अवश्य करेंगे। आपके पिता और दादा ने हमें वचन दिया था कि जब भी हमें आवश्यकता पड़ेगी, आपका पूरा परिवार अपने प्राणों की आहुति देकर हमारी रक्षा करेगा और हमारा साथ देगा। हम आज पूरे आदर और सम्मान के साथ आपसे ये निवेदन करने आए हैं, इस मेवाड़ और मारवाड़ के महायुद्ध में आप हमारी सेना का साथ देकर मारवाड़ का और हमारी सेना का सम्मान बढ़ाएं। ये नहीं हो सकता राजा मालदेव जी। हमारे गुरुवर कोई राजा नहीं जिन्हें आप अपने साथ युद्ध में सम्मिलित करने के लिए विवश कर सके, इसीलिए ये हमारी ओर से लड़ेंगे।
आपके गुरु हमारे ऋणी हैं और हमारे प्रति वचनबद्ध भी। ये किस ऋण की बातें कर रहे हैं आपसे गुरु? आपने ही तो हमें युद्ध धर्म की शिक्षा दी है, आपने ही तो हमें सिखाया कि जहां सत्य है वहां धर्म। बोल दीजिए ना गुरुवर, इस युद्ध में धर्म मेवाड़ के साथ, इसीलिए आप मेवाड़ की ओर से लड़ेंगे। बोलिए आचार्य राघवेंद्र, निसंकोच होकर बोलिए। आप अपनी इच्छा अनुसार भूतकाल को भुला नहीं सकते हैं और ना ही धर्म की परिभाषा बदल सकते हैं। क्यों नहीं बदल सकते? धर्म की भाषा तो सदा समय और आवश्यकता के अनुसार बदलती आई है राजा मालदेव जी। मेवाड़ में ऐसा होता है कुंवर प्रताप, मारवाड़ में क्या होता है इसका हमें आभास है। शांत हो जाएं आप दोनों। हमने आपसे पहले भी कहा है कि हमारा आश्रम है आपकी रणभूमि नहीं। हमें सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। मेवाड़ और मारवाड़ के इस महायुद्ध में आप हमारी सेना का साथ देकर मारवाड़ का और हमारी सेना का सम्मान बढ़ाएं। आपके गुरु हमारे ऋणी हैं और हमारे प्रति वचनबद्ध भी। रानी मां, आपके यो रात रात भर जागने से युद्ध का परिणाम तय नहीं होने वाला, ये बात जानती है ना? फिर क्यों इतनी रात क्या चिंता करनी? जाइए विश्राम कर लीजिए। जब इतने विशाल और भयानक युद्ध का कारण सब हमें ही बना दे तो फिर कैसे कर सकते हैं विश्राम? क्षमा करिए छोटी माँ, क्षमा कीजिए, वो हमने आपको आते देखा नहीं था। बोलिए क्या आज्ञा है? आप भी जानते हैं कुंवर प्रताप, इतने भयानक युद्ध से पूर्व इतनी रात गए, इन व्यर्थ औपचारिकताओं का ना तो कोई अर्थ है और ना ही कोई औचित्य, और ना ही हम यहाँ पर किसी को आज्ञा देने के योग्य हैं। हम तो बस आपसे एक प्रार्थना करने आए कुंवर प्रताप। कैसी प्रार्थना छोटी माँ? छोटी माँ कहा है ना आपने, तो क्या एक माँ अपने पुत्र से कुछ मांग सकती है? बोलिए छोटी माँ। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं ये युद्ध रुकवा दीजिए कुंवर प्रताप। पता चला है शहंशाह कि इस जंग में मेवाड़ और मारवाड़ की बहुत सी रिश्तेदारियां हैं, यहां तक कि दोनों के शाही खानदानों के बीच के आपस के बहुत सारे रिश्ते फंसे हुए हैं। आप कहना क्या चाहते हैं खान बाबा, आखिर मसला क्या है? मसला ये है शहंशाह कि अगर किसी प्रताप को रिश्तों की दुहाई देकर इस जंग को खत्म करने की इल्तिजा कर दी, या फिर कम से कम इस जंग से दूर रहने की गुजारिश कर दी, तो और प्रताप ने अगर जंग से ऐन वक्त पे अपने कदम वापस खींच लिए तो फिर राजपुताने में हमारी फूट डालो और फतेह हासिल करो वाली तजवीज का क्या होगा? आप देख रहे हैं ना कुंवर प्रताप कि क्या हो रहा है इस युद्ध में, अपने ही अपनों के विरुद्ध युद्ध करते हुए दिखाई दे रहे। हम जानते हैं राजा मालदेव जी में कई बुराइयां हैं, क्रोधी हैं भी, अहंकारी भी हैं, पर हैं तो हमारे जीजा के पति। अब आप ही बताइए कैसे हम जीजा के विधवा होने की कामना करें? हम आपके आगे हाथ जोड़ते, रोक लीजिए ये युद्ध। जितना हम प्रताप को जानते हैं खान बाबा, प्रताप अब जंग से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि हाल ही में हुई जंग में उसने अपने कई दोस्तों को गवाया है।
अपने सामने अपने लिए अपने दोस्तों को खून बहाते हुए देखा है। यकीन इस बात का जिम्मेदार वो राजा मालदेव को ही मान रहा होगा। और प्रताप के दिल में दोस्ती के जज्बे की कितनी कद्र है ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हम खान बाबा। क्षमा कीजिए छोटी माँ, किंतु अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि किसी के लिए भी पीछे हटना संभव नहीं। युद्ध का आरंभ तो मुगलों को मेवाड़ तक का सुलभ मार्ग देकर राजा मालदेव जी कर ही चुके हैं। मेवाड़ के पीरों का रक्त बह चुका है मेवाड़ की सुरक्षा में। हमें तो इस युद्ध को समाप्त करना है, अपने मित्रों के शवों के सामने हमने शपथ ली है कि हम उनकी मृत्यु का बदला अवश्य लेंगे। ये युद्ध तो अब होकर ही रहेगा। यानी अब मारवाड़ के कई सिपाहियों को मरने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्या कहा आपने? कुछ भी तो नहीं चला। कहते क्यों नहीं खुलकर कि आपको भी प्रताप ही बहादुर लगता है? इतना बहादुर के जंग का नतीजा चाहे हार हो चाहे जीत, पर आपके नजर में जंग का सबसे असली जंगजू प्रताप ही। नहीं, वो अपनी फौज पे भी हमने गौर किया, सभी के दिल में प्रताप की बहादुरी के लिए इज्जत। हमारे लिए तो कभी किसी ने ऐसा सोचा ही नहीं। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जलाल? आप शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हैं और पिछले कुछ महीनों में आपने जितना हासिल किया है वो कोई ख्वाब ख्याल में नहीं सोच सकता। हिंदुस्तान की हजारों को जमीन आपके कदमों के नीचे है और आप है कि इससे लोगों के जहन में हमारे लिए खौफ जरूर पैदा हो सकता है, लेकिन दिली दिल में इज्जत अभी भी लोग प्रताप की ही करते हैं। नहीं नहीं जलाल, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आपको क्या लगता है खान बाबा कि तवारीख के पन्नों पर ही हमारे नाम के साथ खौफ और प्रताप के नाम के साथ इज्जत और तारीख लिखी जाएगी? क्या तवारीख भी हम एक कामयाब और चालाक सियासतदान ही मानेंगे, जंगजू नहीं? जलाल जलाल हमारी बात सुनिए जलाल। साथियों हमें ये युद्ध मिलकर लड़ना है और हमें पूरा विश्वास है कि इस युद्ध में विजय हमारी ही होगी। जय मेवाड़, जय गलिंग जी। ओवर। आप लोग जाकर तैयारियां कीजिए। सौभाग्य देखिए हमारा गुरु, आप स्वयं यहाँ आ गए, अन्यथा हम आपके पास आज के युद्ध के लिए अंतिम दिशा निर्देश लेने आ ही रहे। और प्रताप, युद्ध शास्त्र, रणनीति, व्यूह रचनाओं के विषय में जितना आप जानते हैं उससे अधिक आपको बताने के लिए तो ज्ञान हमारे पास भी नहीं, किंतु हम यहाँ आज आपको अवश्य आपके शत्रु का एक नया दृष्टिकोण बताने आए। बताइए गुरु। युद्ध तो आपने बहुत लड़े और प्रताप, किंतु अन्य युद्ध में और इस युद्ध में अंतर, धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध में आपके सामने केवल आपका शत्रु ही नहीं होता, आपके मित्र, आपके सगे संबंधी वो भी हो सकते हैं जिनका आप आदर सम्मान करते हैं। ऐसे में आप युद्ध कैसे लड़ेंगे? ऐसी स्थिति में युद्ध करना आपका कर्तव्य बन जाता है। ऐसा युद्ध आपका एक कर्तव्य, आपका एक धर्म, चाहे सामने आपके कोई भी हो, वो आपके लिए तथ्य गौण हो जाता है। ऐसे में अपने प्रियजनों पर शस्त्र उठाने से आपके हाथ नहीं कांपने चाहिए। नहीं कांपेंगे गुरुवर,
कैसे कापेंगे? आप होंगे ना हमारे साथ वहां? नहीं कोई पता। क्या नहीं तो हम आपसे कहने आए हैं, इस धर्म युद्ध में हम मारवाड़ की ओर से लड़ेंगे। गुरुवर, आप मारवाड़ की ओर से कैसे? आप तो जानते हैं ना कि वे अधर्म है, और आपने तो सदा धर्म का साथ दिया है गुरुवर। धर्म क्या है कुंवर प्रताप? धारण करने योग्य व्यवहार। धर्म कोई स्थूल सत्य नहीं, यही कारण है कि हर व्यक्ति के लिए समय, काल, स्थान के साथ धर्म का अर्थ और उसकी परिभाषा बदल सकती है। मारवाड़ ने आपको युद्ध के लिए चुनौती दी, आपका धर्म है उनके साथ युद्ध करना, और हमारा धर्म हमारे पूर्वजों के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे पूर्वजों के ऋण अब हमारे ऋण, और हमारा धर्म है कि हमें अपने पूर्वजों के ऋण उतारने। मारवाड़ के राजघराने ने हमारे पूर्वजों पर बहुत ऋण किए, और हम मात्र अपनी स्वतंत्रता के कारण उन ऋणों से मुंह नहीं फेर सकते। परंतु गुरुवर, हम आपके विरुद्ध कैसे लड़ सकते हैं? मारवाड़ की ओर से लड़ना हमारा धर्म, और मेवाड़ की ओर से लड़ना आपका धर्म। आप पे शस्त्र उठाते हुए हमारे हाथ नहीं कांपेंगे, और हम पे शस्त्र उठाते समय आपके हाथ नहीं कांपने चाहिए। यही धर्म युद्ध है। जिस प्रकार आपने बाकी युद्ध में विजयी होकर हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा किया, उसी प्रकार इस युद्ध में भी विजयी होकर आप हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा करेंगे। समझ गए गुरु, अब इस युद्ध में हमारे हाथ नहीं कांपेंगे, फिर चाहे हमारे सामने हमारे गुरु है क्यों ना जाए। विजय भव। गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर जय एकलिंग जी। गुरुर्देव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलते हैं। तो किए राम जी, अब एक और तिलक बाकी है। ये विजय तिलक हमारी लाडली फूल करेगी। तिलक आप करने जा रही हैं, इस विजय तिलक का अर्थ होता है कि जब हम युद्ध भूमि में हों, शत्रु हमारे सामने खड़ा तो उसका सर काटते वक्त हमारी तलवार तनिक भी संकोच ना करे। फिर वो शत्रु चाहे कुंवर प्रताप ही क्यों ना हो। आप ये जानते हुए हमारा विजय तिलक करें।
हम बस आपको एक ही आशीर्वाद दे सकते हैं कि आप एक विवाहिता का सुख भोगने से पहले विधवा ना हो जाए। ध्यान रखिए फूल, और व्यर्थ की चिंता मत कीजिए। हमारा मन कहता है इस युद्ध का जो भी परिणाम होगा वो सबके लिए कल्याणकारी होगा। चलते हैं। कुछ कहना है? दादा, हमने बड़े दादा से एक वचन मांगा था कि वो इस युद्ध में कुंवर प्रताप का कोई भी अहित न होने दे, किंतु उन्होंने ये वचन देने से हमें स्पष्ट मना कर दिया। दादा, क्या आप हमें दे सकते हैं ये वचन? जो बन पड़ेगा हम अवश्य करेंगे। शहंशाह, ये हम क्या सुन रहे हैं? आप मैदान जंग तशरीफ ले जाए, क्यों, क्या जरूरत है इसकी? जबकि आपकी शानदार सियासी चालों से यह तय हो चुका है कि राजपुताना की रियासतें एक दूसरे से लड़के मर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, फिर मैदान जंग में जाके अपनी जान को जोखिम में डालने की जरूरत क्या है? वजह क्या है इसकी, बताइए। लुत्फ? मैदान जंग में लुत्फ? हाँ, एक चालाक और कामयाब सियासतदान की मानिंद नहीं, बल्कि ये जंगजू के मानी लुत्फ उठाना। और खान बाबा, जब हमने सियासत की बिसात पर ऐसी मोहरे बिठा दिए जिसमें मौजूदा जंग का नतीजा चाहे जो भी हो, फायदा हमारा ही होगा। और फिर इतनी शानदार सियासती दानिशमंदी दिखाने के बाद मैदान जंग में अपने ही दुश्मनों को आपस में लड़ते हुए, कटते हुए, खून बहाते हुए, तड़पते हुए देखने का लुत्फ भी ना उठा पाए, खान बाबा अपनी आंखों के सामने दुश्मन रियासतों की बर्बादी आदि अपने ख्वाबों की तामी ही, जब इन दोनों ही चीजों को एक साथ देखना हो तो फिर मैदान जंग से बेहतरीन जगह और कोई हो ही नहीं सकती। आप फिक्र मत कीजिए खान बाबा, जाना तो अब हमारा होकर ही रहेगा। Rangoli!
बार फिर मेवार की आन को किसी ने ललकारा है। इस युद्ध में हमारी तरह आप में से कईयों को अपनों से युद्ध करना होगा। इस युद्ध के मैदान में आपके सामने हो सकता है कि आपका मित्र, आपका सगा, आपका संबंधी शत्रु के फेस में आपको मिल जाए। हम जानते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में युद्ध करना बहुत कठिन होता है और ऊपर से शत्रुओं का सैन्य बल हमसे बहुत अधिक है। इसलिए युद्ध के शुरू होने से पहले ही हम राणा उदय सिंह आप सबको एक विकल्प देते हैं। आप में से कोई भी जिसे ऐसा लगता है कि ऐसी परिस्थितियों में युद्ध करना अनुचित होगा, वो भी इसी समय इस युद्ध के मैदान से वापस जा सकता है। अति उत्तम। तो ये आपका अंतिम निर्णय है। तो चलिए मेवाड़ के वीरों, सिखा दे मारवाड़ की सेना को कि कोई भी युद्ध सैन्य संख्या से नहीं बल्कि वीरता और साहस से जीता जाता है। एक लिंग की, एक लिंग की, एक लिंग की। जलाल, जलाल, तमाशा क्या देख रहे हो? जाओ और हमारी मुगलिया फौज को तैयार करो जल्दी फौरन। रावत जी, सेनापति प्रताप की टुकड़ी कहाँ है? हम युद्ध के लिए कूच करना चाहते हैं और उन्हीं की टुकड़ी हमारे साथ में नहीं है। दीजिए रावत जी। सेनापति प्रताप, आप देर से आए हैं। हम सब कुछ सह सकते हैं लेकिन अनुशासनहीनता बिल्कुल नहीं। कारण बताइए। हुकुम, हम अपनी टुकड़ी के विलंब के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। हमारी सैन्य टुकड़ी इस युद्ध के लिए विशेष तैयारियां कर रही है। कौन प्रताप, क्या है ये सब? हमें लगता है कि ये युद्ध अपारंपरिक युद्ध का स्वरूप ले सकता है, इसलिए हमने भी इसका सामना करने के लिए अपारंपरिक उपाय और उपकरणों को अपने साथ ले लिए। इस युद्ध में यह हमें उत्कृष्ट परिणाम दे सकते हैं। उत्तम, अति उत्तम। खंबा गणी राणा जी, गणी खंबा, मैं पेमा, इन भीलों का सरदार, हम भी आपका साथ देना चाहते हैं इस युद्ध में। मेवाड़ की ओर से अपने वीर जवानों के साथ मिलकर हम भी इस युद्ध में सम्मिलित होने की आज्ञा चाहते हैं आपसे। हम भी लड़ेंगे आपके साथ। सरदार पेमा, अभी अभी आपने युद्ध में अपने वीर सैनिकों को खोया है और हमने अपने मित्र और आपके वीर सरदार राणा खेता
उसके बाद भी आप हमारे साथ हमारे युद्ध में सम्मिलित होना चाहते हैं? राणा जी, जिनके लिए हमारे सरदार राणा खेता ने हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए, उन पर फिर से युद्ध का संकट आए और हम भील जो हैं अपने जंगलों में चुपचाप बैठकर अपने मरने वालों का शौक मनाए, ये हो नहीं सकता ना। हमें अपने स्वर्ग के सरदार राणा खेता की सौगंध है कि हम अपने शत्रुओं को जीवित नहीं छोड़ेंगे। सरदार पेमा, अति उत्तम हुकुम। यदि आपकी अनुमति हो तो हम सेना के मुख्य सेनापति होने के नाते इन सभी वीर भीलों को अपनी सेना का केंद्र भाग देना चाहेंगे। अवश्य सेनापति प्रताप। जय भगवान। हमारी रणनीति होगी। इससे पहले हम अपनी सेना से कुछ बातें करने की आज्ञा चाहेंगे। हमारे वीर सिपाहियों, हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास कि आप शत्रु दल की संख्या देख
में से किसी के भी उत्साह पर कोई असर नहीं होगा। मत भूलिए कि हम मेवाड़ी हैं। हमारा एक एक सैनिक 100 के बराबर है। गोकुलदास जी, अगर आपकी तरह कोई भाला फेंकने वाला होगा उस मारवाड़ की सेना में, याद कीजिए आपके पिता ने हमारे महाराणाओं के साथ कंधों से कंधा मिलाकर युद्ध लड़ा। शत्रु दल की सेना में हमें उन्होंने अपने भालों के जौहर हाहाकार मचा दी। उनका एक हाथ चला गया किंतु साहस साहस नहीं गया, और उन्होंने आज फिर अपने एक लौते पुत्र को मेवाड़ के लिए लड़ने के लिए किया। इसे कहते हैं वीरता की अविरल परंपरा। तो बोलिए गोकुलदास, उन शत्रुओं को अपने भालों का जौहर दिखाने के लिए तैयार है आप? जय मेवाड़! 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 सेना के लिए भोजन बनाने वाला कैसे अपनी वीरता साहस और युद्ध कौशल से अश्वरोही दल का नायक बन सकता है? ये कोई केसरीनाथ जी की अद्भुत कहानी से सीखे। बोलिए केसरीनाथ जी, क्या आप तैयार हैं मुगलों को सहायता देने वाले शत्रुओं को दंड देने के लिए? क्या आप सब तैयार हैं? जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! कमजोर सेना के सामने हमारी जैसी विशाल सेना खड़ी हो तो वो अपने डर और भय को छिपाने के लिए इसी तरह चिल्ला चिल्ला कर उत्साहित करते हैं। क्या आपको भी ऐसे उत्साह की आवश्यकता है? ये मत भूलो कि आप सब सब मारवाड़ के शेर है, और शेरों को कोई भय नहीं होता है। आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन्हें भयभीत होना है वो आपको देखकर भयभीत होंगे। आप लोग ये मत भूलो कि आज आप राजपुताने की सबसे शक्तिशाली रियासत मारवाड़ के लिए लड़ रहे हो। आप अपने राजा मालदेव सिंह के लिए, उनकी आन बान जान के लिए लड़ रहे हो। इस युद्ध में हमें खोना कुछ नहीं है, हमें तो सिर्फ जीतना है, और हम इस युद्ध को जीतेंगे। इसलिए हमारे वीर सैनिकों, इस रणभूमि में शत्रुओं पर टूट पड़ो और उनके सर काट डालो। जय युद्ध की घोषणा नहीं है,
युग से पूर्व कुंवर प्रताप आपको आदर पूर्व प्रणाम कर रहे हैं। युद्ध भूमि में युद्ध से पहले ऐसी शालीनता, वाह! राम सिंह, कुंवर प्रताप, इन पैतरों से आपके पिता के पाप नहीं धुलने वाले हैं। ये युद्ध तो होकर रहेगा, क्योंकि मारवाड़ ने मेवाड़ का विश्वासघात भी देखा है और कायर का भी। अब कोई युद्ध कौशल हो तो वो भी दिखा दें। राजा मालदेव, हम यहाँ आपकी बातें सुनने नहीं आए, आपकी तलवार की धार देखने आए हैं। एक बात याद रखिएगा, मेवाड़ के वीरों की तलवार जब एक बार उनके मयान से निकलती है, वो अपने शत्रु का रक्त किए बिना वापस मयान में नहीं जाती। याद रखिएगा ये बात। धनुर्धर, दोबारा बाण छोड़ो। उत्तम, अति उत्तम। हुजूर, मालदेव की सबसे बड़ी मुसीबत है वो आचार्य राघवेंद्र। जब तक वो उनके साथ है, प्रताप का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। राजा जी, कुंवर प्रताप ने अपने सैनिकों को अच्छा रक्षा अभ्यास कराया है, इसलिए तीरों की बौछार से कुछ नहीं होगा। हमें कोई अच्छा, कोई शक्तिशाली आक्रमण ढूंढना होगा, जैसे कि अश्वरोहियों का आक्रमण। संख्या में हमारे पास उनसे कहीं अधिक अश्व। लगता है आज प्रताप का गुरु राघवेंद्र प्रताप का लिहाज नहीं कर रहा है। अश्वरोही सेना, आगे बढ़ो और मेवाड़ की अग्रिम पंक्ति को कुचल कर रख दो। आगे बढ़ो। और जब तक हम आदेश ना दें, कोई अपने स्थान से नहीं हिलेगा। कोई नहीं हिलेगा।
दुश्मन की इस व्यूहरचना को कुचल डालो। जाओ। बहुत खूब, बहुत खूब। लगता है प्रताप अब आपको अपने मुट्ठी भर सिपाहियों की मदद से मारवाड़ के पूरे फौजी तूफान को संभालना है। अब बच के दिखा। सेनापति प्रताप, मारवाड़ ने एक बार फिर अपना शुरुआती दस्ता भेज दिया है। क्या आपने इसकी अपेक्षा की थी पहले? यदि हाँ, तो योजना बताइए। हमारी अगली योजना दर्पण। इसके तीव्र प्रकाश से सेना का एक भाग चुन लिया जाएगा। कुछ नहीं देख पाए और इनका आगे बढ़ना थम जाए। उत्तम सेनापति प्रताप। उत्तम। सरदार सेवा, आप अपनी भील टुकड़ी को लेकर आगे बढ़िए और जैसे ही शत्रु सेना हड़बड़ाती है आप उनको रास्ता रोक कर दीजिए। सेना का मुकाबला करने के लिए मेवाड़ ने एक छोटी सी सेना भेजा। लगता है वो सैनिक लड़ने नहीं आत्महत्या करने आ रहे। अवश्य इसके पीछे कुंवर प्रताप की कोई युद्ध योजना। के बाद एक बेहतरीन नहीं देख सकते। सैनिकों,